अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज की वीडियो छोटी सी मुख्तसर, लेकिन आप दोस्तों के साथ सिर्फ थोड़ी सी गपशप करनी थी। काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड कर रहे हैं लेकिन गपशप जस्ट नहीं कर रहा है, तो इसी हवाले से एक वीडियो बनाई है छोटी सी, तो देखते रहिए। आजकल पाकिस्तान में हर कोई जानता है कि सैलाब आया था, सैलाब की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। तो हम भी काफ़ी फसल पहले काश्त करते थे, प्याज की फसल तो बहुत ज़्यादा होती थी पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले बहुत ज़्यादा। लेकिन इस साल इसकी जो पनीरी होती है ना, जो इसका बीज होता है, वो यहाँ हमें नहीं मिलता हमारे यहाँ, तो हमने दूसरे सूबे से लेना पड़ता है। वहाँ इलाका ज़रा ठंडा है, तो इसी वजह से हमारे यहाँ गर्मियाँ होती हैं तो इधर ज़ाय हो जाती है। तो जो टाइम आया कि इसकी काश्त का, तो ऊपर से बारिश में सैलाब शुरू हो गया था। सैलाब की वजह से रास्ते भी तो काट वाट हो गए थे, और दूसरी बात है कि इसकी जो पनीरी थी फसल, तो वो भी नुकसान में चला गया था बारिश की वजह से। तो उसी वजह से हमने काश्त किया, लेकिन बहुत कम किया है, ना होने के बराबर, या ऐसे कह सकते हैं कि आटे में नमक के बराबर। अब हुई तैयार तो हुई है, लेकिन अच्छी तरह से ऐसे नहीं हुई जिस तरह पहले से होनी थी। एक तो मिली नहीं, और दूसरी जो तैयार हुई है वो भी काफ़ी नुकसान में है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि इसके जो शाखें हैं ना, इनको कोई बीमारी लग गई है। काफ़ी दवाइयाँ भी इस्तेमाल की हैं, लेकिन उनसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसकी वजह ये थी कि कोई ज़मीनी तनाव था, यानी बारिश की वजह से हमारी सिर्फ नहीं फसल हुई थी, बल्कि जितने भी हैं पूरे इलाके में एक ही बीमारी को रोना रो रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है इसी बीमारी की वजह से। बस अल्लाह ताला खैर करे। एक छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करनी थी, और दूसरी बात कि आपसे थोड़ी सी गपशप भी करनी थी। खुश रहें जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। दुआओं में याद रखना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर।